रतनपुर नगर के कका पहाड़ के पास में एक बाबा की कुटिया है, जहां पर लॉकडाउन के दौरान अज्ञात चोरों ने सोने कुटिया में धावा बोलकर सोने चांदी की मूर्ति के साथ पीतल, तांबा, कासे के बर्तन, राशन तेल समेत लाखों रुपए के माल को पार कर दिया। श्याम सुंदर दास महंत काली कमली वाले बाबा कका पहाड़ के नीचे कुटिया में रहते हैं, जो कि भाड़म यज्ञ और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए 3 माह पूर्व चले गए थे, जहां लॉकडाउन के चलते वह रतनपुर कका पहाड़ नहीं आ पाए, जिसकी देखरेख के लिए उन्होंने ग्रामीणों को नियुक्त कर दिया था, जो कि रोजाना देखरेख पहुंचकर करते थे। प्रतिदिन की भांति 27 अप्रैल को भी सुबह पहुंचे, जहां पर देखा कि कोई दरवाजे का गुर्जर उखाड़ कर बाबा की कुटिया से अंदर रखे सोने चांदी की मूर्ति, बर्तन, कपड़ा, राशन तेल को पार कर दिए हैं, जिसकी सूचना उन्होंने बाबा को दी। बाबा अपने कुटिया में 29 अप्रैल को पहुंचे, जहां पर सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, जहां पर अज्ञात चोरों ने सोने कुटिया का फायदा उठाकर दरवाजे का गुर्जर उखाड़ कर 2 ग्लास 2 कटोरी 2 थाली 1 छत्र 1 मुकुट, दुर्गा मूर्ति छोटा चांदी, विष्णु मूर्ति छोटा, श्री यंत्र बड़ा सोने का, 4 बड़ा गंज 4 बड़ा प्रात, 1 कढ़ाई गगरी 3 नग, गंजी 1 नग पीतल, 5 कलश तांबा, 2 लोटा 2 थाली, 4 कमंडल कासे, स्फटिक माला, रुद्राक्ष माला, मूंगे के 5 मालाओं के साथ 1 टीपा तेल, राशन सामग्री, कपड़ा पार कर दिया था, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। महंत की रिपोर्ट पर रतनपुर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर 2 घंटे के अंदर ही मुख्य आदतन अपराधी हर्ष शर्मा बिलासपुर सरकंडा निवासी और 2 नाबालिग को इस मामले में गिरफ्तार कर थाना ले आई, जिन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया। इसमें बड़े बड़े बर्तन हैं मेरे पीतल के, गंज वगैरह, परात ठाकुर जी हैं, सोने की मूर्ति, मुकुट, ठकर माला, गिलास, कटोरी, चम्मच, मजीरा पीतल के, तांबे के कलश, जोत जगाने के, चांदी के सामान जो था वो सब ले गए, सोने का मूर्ति था और अन्न ले गए, घी टीपा रखा था तेल का वो ले गए, कासे के लोटे बड़े बड़े 2 कंबल जो आजकल चल रहे हैं कीमत वाले, उनको लिया, सब ले गए घर से निकाल के। बहुत सोन चांदी 600-500 ग्राम वही था, पीतल कांसा के 60-70 किलो बर्तन है। रास्ते पे कका पहाड़ है और कका पहाड़ में बाबा कमली वाले का आश्रम मंदिर है, यहाँ के महंत है श्याम सुंदर दास, जिन्होंने का रिपोर्ट लिखाई थी कि इनके मंदिर और आश्रम में चोरी हुई है। सामानों में लिखवाया था चांदी के सामान, पीतल के सामान और कांसे के सामान के संबंध में चोरी का रिपोर्ट लिखाया था, और आज पुलिस को सूचना मिली कि एक हर्ष शर्मा नाम का लड़का है और 2 नाबालिग बच्चे हैं, ये तीनों इस घटना को अंजाम दें और बेलगहना में केंद्र के पास कहीं पर छिपे हुए हैं, और पुलिस ने टीम बनाकर के पुलिस को रवाना किया गया था और पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया है, और इनके पास से चांदी के और पीतल के कांसे के सारे सामान मिले हैं, और पुलिस इनको इनके ऊपर कार्रवाई करके भी न्यायिक रिमांड ले रहा है।